गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो फेशियल, जो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगी, डिटैन करेगी, आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी करेगी एंड आपकी स्किन में जितने भी ऑयल होगा उसे एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भी इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। फेशियल में बहुत ही इजी 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो समर्स में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लिंजिंग, यानी कि फेस वॉश हमारे फेस को क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए मैं लूँगी पोटैटो में रोज़ वाटर ऐड करके इस तरीके से पीस लिया है, इसे पेस्ट बना लिया है, तो मैं इसको लूँगी 1 स्पून। एंड देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा रोज़ वाटर। मैं इसमें 1 स्पून रोज़ वाटर और ऐड कर रही हूँ। और इसे मिक्स कर देंगे। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो एलोवेरा जेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करने में हेल्प कर देगा एंड आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी करेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लिंजिंग था, जो कि आप इससे क्लिंजिंग करेंगे अपने फेस को तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो जो है आपकी स्किन में इससे एक्सेस ऑयल रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपकी टैनिंग को दूर करने में हेल्प करेगा। तो अब हम इसके सेकंड स्टेप की बात करते हैं, जो कि है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी वही वाला जो मैंने पेस्ट बना के रख रखा था पोटैटो का रोज़ वाटर के साथ, तो मैं उसको डाल दूंगी 1 स्पून इसमें। एंड देन आप चाहें तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर, जो आपकी स्किन को बहुत ही क्लीन करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन हेल्प करता है आपके स्किन में एंड आपकी स्किन में से जितने भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होंगे उसे भी क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारा स्क्रब बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपको इसको 10 मिनट तक अपने स्किन पर स्क्रब करना है। तो ये रेगुलर जो मार्केट में मिलने वाले स्क्रब्स होते हैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, आपके घर की चीज़ों से, पोटैटो से एंड राइस फ्लावर से बना है, तो बिल्कुल नेचुरल है, आप बहुत ही इजीली इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारा लास्ट स्टेप है फेस पैक, जो आपकी स्किन में से जितना भी डर्ट होगा उसे रिमूव कर देगा एंड ये लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपकी स्किन में से टैनिंग रिमूव कर देगा, आपकी स्किन में से एक्सेस ऑयल रिमूव करेगा। तो लास्ट स्टेप के लिए हमारा जो पोटैटो है वो तो मैंने दोनों बना लिए हैं, फेस वॉश एंड स्क्रब, तो जितना भी है मेरे पास। एंड देन मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी, ये 2 स्पून होगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन, ये है बेसन। बेसन है वो आपकी स्किन में जितना भी एक्सेस ऑयल होगा ना उसे रिमूव कर देगा। एक्सेस ऑयल रिमूव होने की वजह से आपको पिंपल एक्नी की प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी एंड समर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल हो जाता है, इसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल एंड एक्नी हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। एंड देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये है सौंदर्य एलोवेरा जेल। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो होगी वो बहुत ही क्लीन रहेगी, समर्स में हमको थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी इससे एंड आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो मैं ये 1/2 स्पून ऐड कर रही हूँ। एंड देन कि आपको जो पिंपल है वो वाली प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी, एंटीबैक्टीरियल होती है जो आपकी स्किन में से जितना भी बैक्टीरिया। तो हमारा पैक बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा पैक है आपकी स्किन को, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे फेशियल में, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी फेशियल पूरा नहीं होता है। आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करने में हेल्प करेगा, तो आप एक बार ज़रूर इस फेशियल को ट्राई करिएगा। हाँ, आप इस फेस पैक को अपने स्किन पर 15-20 मिनट्स रखिएगा एंड देन आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। ये आपकी स्किन को ये फेशियल बहुत ही ग्लोइंग
ग्लोइंग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, क्लीन क्लियर बनाएगा एंड आपके स्किन में से जितना भी एक्सेस ऑयल होगा उसे भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंड जिसमें हमने टर्मरिक लास्ट में डाला है उसकी वजह से आपके पिंपल, एक्ने एंड आपके स्किन में जितने भी बैक्टीरिया होगा उसे किल करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहेगी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फेशियल कैसा लगा एंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चैनल पे इस तरीके की DIY शेयर करती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।